हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत स्पेशल चीज़ शेयर करने वाली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं केदारनाथ के दर्शन करने गई थी, तो केदारनाथ में मेरा जो एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा है, कितना बुरा रहा है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो सारे एक्सपीरियंस को मैंने मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड किया है, और आप लोग मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो मैं आप लोग से बोलूंगी, अगर आप लोग कभी भी केदारनाथ जाओगे तो मेरी ये वीडियो जरूर देखना। लाइफ में एक बार तो आप लोग जरूर जाओगे दर्शन करने के लिए। तो मैंने क्या क्या प्रॉब्लम पर्सनली फेस की है, वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ प्रॉब्लम ही फेस की है, मैंने उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी, सो वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी स्टार्टिंग से जर्नी लेके केदारनाथ के एंड तक की वो जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेरी जो मेन यात्रा है वो हरिद्वार से स्टार्ट हुई थी। हरिद्वार से मैं गुप्त काशी गई थी, वहाँ पर मैंने हेलीकॉप्टर बुक किया था, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वहाँ पर जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई थी और 4 दिन के लिए यात्रा बंद कर दी गई थी। तो इसकी वजह से मुझे हेलीकॉप्टर नहीं मिला था। हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, फिर गुप्त काशी से हम लोग गए थे सोनप्रयाग। वहाँ पर जाने के बाद तो पूछो ही मत, वहाँ पर इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी ना मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, मैंने सोचा यहाँ पर इतनी ठंडी है तो जब मैं केदारनाथ पहुँचूँगी तो वहाँ पर कितनी ठंडी होगी। फिर उसके बाद वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं कुछ भी बोल रही थी तो लाइक मुँह से मेरे धुआं निकल रहा था, क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर हुआ ही नहीं था। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन, दो ही ऑप्शन थे, या तो हम चल के जाए या तो फिर हम खच्चर लेके जाए ऊपर। तो फिर स्टे करना था तो हम लोगों ने वहाँ पर एक होटल ली। वो जो गर्म पानी है, आपको एक बकेट लेने के लिए 100 रुपीज़ जाएंगे, और वो भी मुझे वर्थ नहीं लग रहा था। और वो रूम जो था वो काफ़ी ज़्यादा अनहाइजेनिक था। मैंने वहाँ की वीडियो तो शूट नहीं की है, बस सोनप्रयाग की जो भी मार्केट है जहाँ से मैंने कुछ जैकेट्स या कैप या ग्लव्स जो भी वॉट एवर मैंने बाई किया है वो सब मैंने अच्छी तरह से मेरे वीडियो में रिकॉर्ड किया है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। वहाँ पर कुछ कुछ जो होटल्स है थोड़ी बहुत अच्छी है, मतलब पर डे के लिए वो लोग 5000 चार्ज कर रहे हैं। मतलब अगर आप ऑनलाइन पे लोगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप वहाँ पर जाके लोगे तो थोड़ा जो बजट है वो बढ़ जाएगा। फिर वहाँ से हम लोगों ने एक नाइट, मतलब वन नाइट स्पेंड किया, और हम लोगों ने कहते ना महादेव से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि बारिश बंद हो जाए, क्योंकि जो भी यात्री केदारनाथ से जब नीचे उतर रहे थे तो वहाँ से हमें पता चला कि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही है, और सोनप्रयाग में बारिश हो रही थी और ठंडी इतनी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती थी। फिर वहाँ से हम लोगों ने वन नाइट स्पेंड किया। वहाँ पर वहाँ का जो खाना था वो इतना अच्छा नहीं था, हम लोगों ने सिर्फ आलू पराठा खाया था। वहाँ का जो आलू पराठा था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। फिर वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग सो गए थे। सोने के बाद हम लोगों ने 3 आवर्स की स्लीपिंग कम्प्लीट की थी। उठने के बाद फिर हम लोग 1 बजे उठे, 1 बजे में हम लोग फटाफट रेडी हुए। फिर हम लोग 1 बजे उठे, 1 बजे उठने के बाद मैं और मेरी फैमिली सब अच्छी तरह से रेडी हुए। फिर 2 बजे हम निकल गए थे गौरीकुंड के लिए। तो हमने जैकेट विकेट जो भी वार्म कपड़े थे, खाना पीना जो हमारा नॉर्मल स्नैक्स था सेफर साइड, हम लोगों ने वो ले लिया था, और साथ में गर्म पानी भी ले लिया था। तो हम लोग कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी डिटेल चाहिए, हमें इतना कुछ पता नहीं था। तो वहाँ पर जो पुलिस थी उनकी हेल्प, तो हम लोगों ने जो पुलिस वाले भैया थे उनसे हेल्प ली थी, उन्होंने हमें गाइड किया। उन्होंने हमें बोला कि 2 बजे यहाँ पर रात में लाइन लगेगी गौरीकुंड के लिए, वहाँ से हमें कार मिल जाएगी, और साथ में हमें गवर्नमेंट की कार रहती पर आप अपनी वापस प्राइवेट कार नहीं लेके जा सकते, और वहाँ से आपको खच्चर भी इजीली मिल जाएंगे। अगर आप लेट जाओगे तो ना आपको कार मिलेगी और ना ही आपको खच्चर मिलेगा, आपको चल के जाना पड़ेगा। तो हम लोग के साथ बच्चे भी थे और फैमिली थे, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो हम लोग 2 बजे एग्जैक्ट है ना सोनप्रयाग की जो लाइन है ना वहाँ पर गए थे, तो हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए कि वहाँ पर कुछ लाइन नहीं थी, वहाँ पर इतनी पब्लिक थी ना, इतनी पब्लिक, और वहाँ पर हमें गवर्नमेंट की कार भी नहीं मिलती। जो कार आ रही थी ना वो जो बॉयज थे ना वो लोग ऐसे चढ़ रहे थे कि पूछो मत। मतलब सबसे ज़्यादा फेस है ना जो फैमिलीज को और बच्चों को और जिनके कहते हैं ना ओल्ड एज पर्सन को बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मैंने पर्सनली खुद वो प्रॉब्लम फेस की है। जो बलेनो करके कार थी वहाँ पर सिर्फ 7 लोग आ सकते थे, बट उसमें 15 लोग बैठे थे,
और वहां पर से ना जेंट्स के साथ जेंट्स बैठे थे और जेंट्स के ऊपर लेडीज को बैठने बोले थे या लेडीज के ऊपर जेंट्स को बैठने बोले थे। और वहां पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, आपकी फैमिली ना टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं जो जिस बरेरो में बैठी थी, मतलब मैं बैठ गई थी और मेरी फैमिली से मेरी जो सिस्टर थी कमो और मेरे जो भैया थे वो अलग हो गए थे, उनको कार ही नहीं मिली थी। तो जो मेरी फैमिली ना डिवाइड हो गई थी ना, इतना ज्यादा हम लोग को स्ट्रेस आ गया था और हम जो डर गए थे, मतलब 2 बजे से लेके हमें 4 बजे हमें एग्जैक्ट कहते हैं ना, इतनी मेहनत करने पर, इतना हार्डवर्क करने पर हम भी समझ गए थे कि इधर खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला, एफर्ट डालना पड़ेगा। तो मेरी होल फैमिली ने एफर्ट डाला, एफर्ट डालने पे भी मेरी जो सिस्टर और मेरा भाई तो छूट ही गया था। फिर हम लोगों ने टेंशन नहीं ली, हम लोग कार में बैठे और फिर हम लोग गौरीकुंड पहुंचे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहां पर जो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम हुआ, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जो सिस्टर है और मेरा जो भाई है उसको मतलब कार मिली है कि नहीं मिली, क्योंकि वहां पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यूज था। और मैं तो मुझे एक चीज़ का तो ये भी था कि नेटवर्क का तो इश्यू था, और हम लोग पुलिस के पास जाके वहाँ पर माइक पे अनाउंस भी कर सकते थे। सो वहाँ पर तो माइक पे हम लोग ने अनाउंस कर दिया था, तो भी मेरे भाई और सिस्टर का कुछ नहीं पता चला था। तो हम लोग को एक डिसएडवांटेज लगा, माइनस पॉइंट लगा कि अभी की जो जनरेशन है, हमें किसी का भी नंबर याद नहीं था। मतलब मुझे सिर्फ अपना नंबर याद था और किसी का भी नंबर याद नहीं था। और मेरे पास फोन तो सबके पास थे बट नेटवर्क का इतना इश्यूज था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर कहीं पर भी जा रहे हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, तो हमें अपने फैमिलीज और कुछ फ्रेंड्स का नंबर हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में आते तो हम लोग इमिडिएटली उनको कॉल कर सकते। तो वहाँ पर जियो का और एयरटेल का ही कार्ड चला था, पर मेरा एयरटेल का कार्ड था वो भी नहीं चला था, पर सिर्फ जियो का ही कार्ड चल रहा था। तो हम लोग गौरीकुंड पहुंचे, वहां पर भी हम लोग 2 किलोमीटर चल के गए। 2 किलोमीटर चलने के बाद वहां पर हमें खच्चर मिले, फिर हमने खच्चर पर लिए और फिर उसके बाद हम लोगों ने काफी टाइम अपनी सिस्टर का और ब्रदर का वेट किया कि वो लोग कब आएंगे। लोगों ने माइक में अनाउंसमेंट किया, माइक में अनाउंसमेंट करने के बाद फिर मेरे ब्रदर और सिस्टर मिल गए, फिर हम सब साथ में मिलके खच्चर पे चढ़े और चढ़ने लगे। फिर मेरी मॉम की तो काफी एज है, तो हमने सोचा कि मॉम के लिए हम लोग डोली या पालकी जो होता है वो ले लेते। तो उसमें हमें पता चला कि डोली और पालकी आपको 1 डे बिफोर बुक करना पड़ेगा, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं थी और हम लोग मॉम को नीचे नहीं छोड़ के जा सकते थे। तो जो हमें खच्चर वाले भैया मिले थे वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरी मॉम को वो अच्छी तरह से लेके जाएंगे, कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने बोला आप आराम से, हम आपकी मॉम को लेके जाएंगे और आराम से लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने ऐसा कमिटमेंट दिया तो हम लोग को उनके ऊपर ट्रस्ट हुआ, फिर हम लोग खच्चर के ऊपर बैठ के गए। पर मैं गवर्नमेंट के हिसाब से पर्ची बनती है, वो आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं बोल सकते हैं, जितना गवर्नमेंट का अमाउंट है आपको वो उतना ही पे करना पड़ेगा। तो हम आपको पर्ची बनानी पड़ेगी और साथ में आप जब घोड़े पे बैठोगे तो आप खच्चर के जो पर्सन है ना भैया, आपको उनका लाइसेंस लेना और अपने गले में डाल के वो लाइसेंस पहन के जाना है। उसमें उनका नंबर भी होता है और उनका नेम भी होता है और उनकी डिटेल भी होती है। तो आपकी भी सेफ्टी के लिए और इवन उनकी भी सेफ्टी के लिए आपको वो लाइसेंस पहनना रहता है। अगर आपके फैमिली में 7 लोग जा रहे हैं तो 7 लाइसेंस मिलेंगे और आपको अपने गले में वेयर करना है। गले में वेयर कीजिए या अपने बैग में रखिए और साथ में आपको स्लिप भी रखनी पड़ेगी। तो जब हमने खच्चर बुक किया था तो उन्होंने हमें बोला था कि हमें 4.5 घंटे में पहुंचा देंगे। उन्होंने जो बोला था सच में हमें 4.5 घंटे में उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया था। जो खच्चर है वो आपको हेलीपैड से पहले ही आपको पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद आपको 2 किलोमीटर और चलना है मंदिर के लिए। तो वो लोग जो है वो आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, जहां पर भीम बली पॉइंट आता है वहीं पर आपको रोकेंगे, वहीं पर आप वॉशरूम जा सकते हो और वहीं पर आप नाश्ता कर सकते हो। और वो लोग की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है, आपको सेफली लेके जाएंगे और सेफली लेकर आएंगे, वो बहुत अच्छी बात है। और आपको अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों से डर लगता है तो मैं आपको बोलूँगी कि जो खच्चर वाले भैया, आप उनसे बात करते करते जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप उनसे स्टोरी भी पूछोगे केदारनाथ के ऊपर, तो वो आपको स्टोरी भी सुनाते सुनाते ऊपर लेके जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा रास्ते से, क्योंकि रास्ता इतना वर्स्ट था ना, मतलब अच्छी तरह से बना भी नहीं था। मतलब ऊपर चढ़ने पे इतना डर लग रहा था, मैं बता नहीं सकती, कि घोड़े है ना स्लिप हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊंगी, बहुत डर लग रहा था। और साथ में वहां पर वॉशरूम की फैसिलिटीज कहते हैं ना फैसिलिटीज नहीं थी, स्पेशली लेडीज के लिए तो वॉशरूम ही नहीं था, सिर्फ मैंने देखा था कि जेंट्स के लिए था
और जेंट्स के लिए था जो पर्दा बना था उसमें जो चैन थी वो भी खराब थी। अभी मुझे तो इतनी जोरों के वॉशरूम आए तो मुझे तो जाना ही जाना है, तो अभी अगर मैं देखूंगी ये जेंट्स का वॉशरूम है कि लेडीज का है तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी। मैंने बिना सोचे समझे मैं और मेरी सिस्टर जेंट्स के ही वॉशरूम में चले गए, और उसमें भी वहां पर पानी नहीं था, वो टोटली अनहाइजेनिक था कि मैं बता नहीं सकती। सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे काफी सारी लेडीज है ना जेंट्स के टॉयलेट में जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जेंट्स निकाल के वहां पर फैमिली टॉयलेट लिख देना चाहिए, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो या फिर बड़े हो लड़का हो लड़की, मतलब सब लोग है ना उस टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। आप ऐसे मत लिखो कि जेंट्स टॉयलेट है तो वहां पर कोई जा ही नहीं पाएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने अपने साथ एक बिस्लेरी कैरी की थी, मेरी होल फैमिली ने, सब लोगों ने एक बिस्लेरी और ड्राई फ्रूट्स और कुछ कुकीज है ना वो कैरी ऑन किए थे। तो हम लोग जो भीमबली में जो पॉइंट पे हम लोग रुके थे वहां पर हम लोगों ने आलू पराठा और मैगी खाई थी और चाय पी थी, क्योंकि थोड़ा वो खाया था। और मैं तो बोलूंगी कि वहाँ की जो मैगी थी वो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और यम्मी थी, बट वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। मैं मैगी खाई थी एकदम टेस्टी और यम्मी समझ के, उतनी ही मुझे वॉमिटिंग भी हो गई थी और मैगी से मेरा पेट भी दुख रहा था। तो मैं आपको बोलूंगी अगर आप जा रहे हो तो मैगी हो सके तो आप अवॉइड ही करो। और जो आलू पराठा था वो टेस्टी था, आप आलू पराठा या फिर चाय या फिर ब्रेड बटर आप खा सकते हो, जहाँ तक कि मेरा पर्सनल वो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बोल रही हूँ। तो फाइनली मैं केदारनाथ पहुँच गई थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे इतनी ठंडी लगी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सो फाइनली हम लोग जो है वो केदारनाथ पहुँच गए। केदारनाथ पहुँचने के बाद तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जितना मैं खच्चर पे चढ़कर आई, इतना रिक्स उठाकर आई और इतना ठंडी से और इतनी मनी स्पेंड करने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, जब केदारनाथ पहुंचने के बाद जब वो मंदिर मुझे दिखा तो मुझे इतनी खुशी हुई, एकदम वाव वाली फीलिंग आई। ऐसा लगा जैसे मैं कहते हैं ना कैलाश पर्वत पर आओगे, जैसे साक्षात मुझे भगवान मिल गए हैं। सो केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद फिर हम 2 किलोमीटर चले, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरे पास कपूर था तो मैं कपूर थोड़ा सूंघ रही थी, तो मतलब कपूर मैंने मेरे हाथ में बांधा था और मैं ऐसे सूंघ के जा रही थी, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता। मेरी फैमिली में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे थोड़ा सफोकेशन का प्रॉब्लम है तो मुझे थोड़ी कपूर की ज़रूरत पड़ी। फिर फाइनली हम मंदिर पहुँचे, पर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जहाँ पर हेलीकॉप्टर हमें छोड़ता है वहीं पर से ना इतनी लंबी लाइन थी, 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी, और हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि मेरे साथ मेरी मॉम थी, बच्चे थे और मेरी फैमिली थी, तो हम लोग इतनी ठंडी में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ना गर्म कपड़े भी नहीं थे। तो लाइन से बचने के लिए तो हम लोगों ने क्या किया, एक पंडित जी से कांटेक्ट किया और हमने पंडित जी ने हमें बोला कि हमें 1000 रुपीज़ की पर पर्सन एक स्लिप बनानी पड़ेगी, तो आप लाइन से बच सकते हो और आप जल्दी से जल्दी आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो हमने बिना सोचे समझे पर पर्सन के 1000 रुपीज़ पे किए, पर्ची कटवाई और फिर उसके बाद हमने जल्द से जल्द भगवान के दर्शन के मिस, और आप वो पर्ची बना के आप डायरेक्टली महादेव के आप दर्शन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने महादेव के दर्शन किए मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे और मेरी फैमिली को, और हम मंदिर के सामने ही एग्जैक्ट बैठ के अच्छी तरह से भगवान की प्रेयर कर रहे थे और वहाँ पर हम लोग रेस्ट भी कर रहे थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने 1 आवर्स टाइम स्पेंड किया, साथ में जो भीम पत्थर था उसके भी दर्शन किए, और वहाँ पर जो स्मॉल स्मॉल से जो रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे से जो पत्थर होते हैं, आपको एक के ऊपर एक रखना, अगर वो गिरेगा नहीं, अगर वहाँ पर वो 3 फ्लोर बना, मतलब एक पत्थर रखा फिर उसके पास सेकंड फिर उसके बाद तीसरा रखा, तो आपका जो घर है वो 3 घर होंगे। तो मेरे तो मैंने वैसे 4 पत्थर रखे थे, 4 में से 2 पत्थर गिर गए तो मेरे 2 ही पत्थर थे, तो इसका मतलब है इन फ्यूचर में मेरे 2 ही घर होने वाले, उससे ज़्यादा घर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसे मैंने कहानियाँ सुनी, ऐसा पंडित जी बोल रहे थे तो मैंने भी वैसे कर लिया। तो मुझे वहाँ की जो वादियाँ है, जो कहते ना बर्फ़ का पहाड़ है, वहाँ पर कहते ना देख के एकदम बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा भगवान के दर्शन करने के, ऐसा लगा कि मुझे स्वर्ग मिल गया है, मतलब इतना अच्छा लग रहा था मुझे और मेरी फैमिली को, और हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। तो वो सारी वीडियो मैंने निकाली, आपको मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पर हम निकले, हमने कुछ केदारनाथ में 1 आवर्स का टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद हम हेलीकॉप्टर बुक करने गए कि हम हेलीकॉप्टर से नीचे जाएंगे। वहाँ पर भी हम 2 घंटे लाइन में थे, वहाँ पर कहते हैं ना कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ के जो वॉशरूम थे वो इतने अनहाइजेनिक थे, वहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ पर सिर्फ मैगी मिल रही थी और चाय मिल रही थी, और वहाँ पर बैठने की बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं थी, आपको नीचे ज़मीन पर बैठना पड़ेगा।
तो मतलब जमीन पे भी वहां पर इतना सारा पानी आ रहा था, जो बर्फ थी ना, जो 4 दिन से बर्फ गिरी थी वो मेल्ट हो रही थी, उसकी वजह से जो नीचे की जो जमीन है वो भी, जो जमीन है वो भी पूरी गीली हो गई थी, तो उस पर भी बैठना बहुत डिफिकल्ट था। तो 2 आवर्स के लिए मेरी फैमिली खड़ी थी और हमें ये कहा जा रहा था कि अभी आपको टिकट मिलेगी, अभी मिलेगी, अभी मिलेगी। फिर बाद में बोलती कि अगर किसी का टिकट कैंसिल होगा तो हम आपको उनके बिहाफ में देंगे। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग लगे थे, कुछ कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, जिनको BP का प्रॉब्लम था, जिनको फीवर आ गया था, तो हमें वो टिकट मिल ही नहीं रही थी। तो प्रायोरिटी दे रहे थे क्योंकि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लगा, पर मैंने देखा कि उनको भी वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, वो हेलीकॉप्टर वाले वो चीज़ के लिए था। तो हम लोग ने 2 आवर्स लाइन में खड़े रहे, मैं और मेरी फैमिली, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम 2 किलोमीटर वापस चले, फिर हमने खच्चर लिया, फिर वहाँ पर हम चढ़े और फिर सीधा हम नीचे उतरे। नीचे जो हम उतरे इतने डर डर के उतरे थे ना, मतलब वहाँ का जो रास्ता है ना, मतलब वैष्णो देवी तो कुछ नहीं है उसके सामने। मैं 3 बार वैष्णो देवी गई हूँ, मुझे 1% भी कंप्लेंट नहीं है, बट यहाँ का जो रास्ता है वो ऐसा कहते ना वर्स्ट था ना, वहाँ की जो स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं, इतनी खतरनाक है, आपको ऐसा लगेगा आप अभी गिर जाओगे। और वहाँ पर खाने पीने की भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, और वॉशरूम तो इतने वर्स्ट है, इतने ख़राब है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं आपको बोलूँगी जितना हो सके थोड़ा कम पानी पीजिए, जितना हो सके आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, या अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके जाइए, या फिर आपको अगर ऊंचाइयों से नीचे देखने में डर लगता है तो कुछ चॉकलेट वेकलेट आप खा के जाइए, खच्चर विच्चर से आप जो भी है केदारनाथ की स्टोरी सुन के आप जाइए, आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी कर सकते हैं। और जितना हो सके आप अपने साथ रेनकोट लेके जाइए, आप शूज़ पहन के जाइए, पानी की बॉटल कैरी कीजिए, आपके साथ जो खाने की चीज़ें हैं वो आप लेके जाइए, और साथ में आपको रेनकोट भी लेना है क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो फिक्स नहीं रहता, कभी भी बारिश होती है, कभी भी स्नोफॉल होता है, और कभी भी एकदम ठंडी हो जाती है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ का जो वेदर है वो फिक्स है, वो वहाँ का जो वेदर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो हम जिस दिन चढ़े थे उसी दिन हम उतर गए दर्शन के बाद। फिर नीचे उतरने के बाद हम लोग कुछ शाम को उतरे थे, कुछ 7 o'clock। फिर उतरने के बाद भी हमने गौरीकुंड के लिए लाइन लगाई थी, उस लाइन में तो इतनी वर्स्ट कंडीशन थी मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम लाइन में लगे थे, कितने सारे लोग जो पीछे से आ रहे थे वो एकदम आगे ज्वाइंट हो जा रहे थे, और वहाँ पर पुलिस वाले जो भैया थे वो भी देख के कहते हैं ना इग्नोर करते। फिर जब हम चिल्लाने लगे, जब मेरी मॉम की कंडीशन ख़राब होने लगी इतनी लाइन में खड़े होने पर, जब हमने पुलिस वाले को चिल्लाया डांटा कि आप कुछ तो हेल्प करो, सबको बोलो कि लाइन से जाने के लिए तो ज़्यादा बेटर होगा, तो फिर जब हमने पुलिस वाले से बात की, फिर उसके बाद फाइनली हम सब लाइन्स में गए और हमें फाइनली कार मिली, हम उसमें बैठे, फिर हमसे हम सोन प्रयाग पहुँचे, फिर वहाँ से भी हम 2 किलोमीटर चल के गए होटल, फिर वहाँ पर हमने रेस्ट किया, खाया पिया और फिर हम सो गए। फिर वहाँ से हम मॉर्निंग में उठे वापस से 4 बजे और फिर हम निकल गए थे बद्रीनाथ के लिए। तो बद्रीनाथ का मेरा कैसा एक्सपीरियंस, अच्छा था कि बुरा था, उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा बद्रीनाथ के बारे में। तो मैं आप लोग को बोलूँगी अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई कि केदारनाथ की, और आप केदारनाथ जाने से पहले आप मेरी वीडियो आप जरूर देखिए। तो मैं आपको, अगर आप लोग केदारनाथ गए हो, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और आप वो चीज़ मेरे साथ शेयर करो। अगर आपको ऐसा रहता है कि कहीं पर मैं रॉन्ग हूँ, राइट हूँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, कि शेयरिंग इज़ द केयरिंग। जो कुछ भी एक्सपीरियंस आप लोग साथ शेयर किया है क्योंकि मैंने वो फील किया है, मुझे ऐसा लगा। अगर आप फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ जाते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, अगर आपके मम्मी पापा और बच्चे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आप लोग को बोलूँगी अगर आप लोग इन फ्यूचर में कभी भी केदारनाथ जाओगे तो आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। बट मैं पर्सनली आप लोग को एडवाइस दूंगी कि अगर आप केदारनाथ जाओगे तो ऑनलाइन आप हेलीकॉप्टर बुक करो जाने के लिए और आने के लिए, तो ही आप केदारनाथ जाओ। की विश है या आपकी इच्छा है तो आप खच्चर या फिर आप चल के भी जा सकते हो, अप टू यू। पर मैं पर्सनली बोलूँगी अगर आप जाओगे तो पहले हेलीकॉप्टर बुक करो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप पूरा प्लान करो। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा भी रहा था, बुरा भी रहा था, जो भी चीज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। तो मैं बोलूँगी अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, बाय।